News 18, India. और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, थोड़ी देर में हेमंत सोरेन को कोर्ट ले जाया जाएगा भारी सुरक्षा के बीच। दोपहर 1:30 बजे कोर्ट में ये पेशी होनी है। आज रांची में सत्ताधारी दल की फिर से बैठक होनी है, यानी दोनों तरफ जो खलबली है वो इस तरीके से, एक तरफ हेमंत सोरेन की पेशी और दूसरी ओर चंपई सोरेन विधायक दल के नेता तो बन चुके हैं, लेकिन राज्यपाल के तरफ से अभी भी वक्त नहीं मिला है जिससे कि वो शपथ ले सके। और इस बीच खलबली इस बात को लेकर भी है कि कई ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में तो पता भी नहीं चल पा रहा है। कईयों की नाराजगी की बातें भी सामने आ रही है कि कई नाराज नेता है, यानी चंपई सोरेन के नाम पर भी सहमति नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लेकिन कल देर रात ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ईडी ने जब गिरफ्तार कर लिया था उसके बाद हेमंत सोरेन की तस्वीरें, और मैं सीधे अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करूंगी। चंद्रमोहन, इस वक्त जो सबसे बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कई ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है, यानी वो चंपई सोरेन के नाम पर भी सहमत नहीं है, यानी बवाल वहां पर, बदलाव अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल, और उसी में से एक नाम है लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब वक्त आएगा उस समय हम बताएंगे कि हमको सरकार के सपोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, चंपई सोरेन के सपोर्ट में जाना है या फिर नहीं जाना है। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये रांची सर्किट हाउस है जहाँ पर तमाम विधायक अभी मौजूद हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 43 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और उनके यहाँ से निकलने की भी तैयारी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल अगर 3 बजे तक नहीं बुलाते हैं तो उसके बाद ये जो तमाम विधायक, 43 विधायक जो अंदर सर्किट हाउस में मौजूद हैं, उनको रांची से बाहर शिफ्ट किया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। 2 चार्टर प्लेन मंगाया गया है, हालांकि अभी रांची में मौसम ठीक नहीं है जिसके चलते वो चार्टर प्लेन यहां पर नहीं उतर पा रहा है। जैसे ही मौसम ठीक होगा उसके बाद वो चार्टर प्लेन यहां पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद अभी जो यहां पर विधायक मौजूद है, 43 विधायक है, उनमें विधायक दल की अभी बैठक होनी है, और बैठक के बाद राजभवन को एक बार संपर्क किया जाएगा कि इनको बुलाते हैं या फिर नहीं बुलाते हैं। और अगर रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची से बाहर ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड फ्लाइट वहां पहुंच रहे हैं। मौसम में सुधार के बाद चार्टर्ड प्लेन वहां पहुंच सकता है। रांची एयरपोर्ट से ये हम वहां के सोर्सेज के हवाले से खबर बता रहे हैं। एक चार्टर्ड प्लेन की क्षमता 37 यात्रियों की, दूसरे चार्टर्ड प्लेन की क्षमता 12 यात्रियों की। अब ये सारी बातें बहुत सस्पेंस पैदा कर रही है कि रांची में, झारखंड में अभी क्या होना बाकी है, क्योंकि कल इस्तीफा तो हो गया मुख्यमंत्री का, विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए, विधायकों का समर्थन पत्र राजभवन को भी भेज दिया गया, लेकिन वक्त नहीं मिला है इसके वजह से। और कई सारे ऐसे विधायक हैं जो नॉट रिचेबल है, कई सारे ने नाराजगी जाहिर कर दी है। तो झारखंड वो राज्य है जहां पे मैं बार बार अपने दर्शकों के सामने कहती हूं कि अगर एक कमरे में 2 नेता बैठ जाए तो सरकार गिर जाती है, वो इतना अस्थिर प्रदेश है। मेरे एक और सहयोगी दिवाकर है मेरे साथ, पूजा उनसे बात कर। बिल्कुल दिवाकर, लगातार हम अपडेट्स जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ विधायकों के लिए चार्टर्ड प्लेन पहुंच रहा है, कहा यह जा रहा है कि कुछ विधायकों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं, क्या और अपडेट्स मिल रही हैं? देखिए, विधायकों को पूरी तैयारी के साथ बुलाया गया है, और विधायक जब पहुंच रहे हैं रांची के सर्किट हाउस तो उनके गाड़ी में उनके कपड़े हैं, उनके खाने के सामान हैं, और विधायकों ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक देखिए बस खड़ी है, और ये बस की तस्वीर है, उपाध्याय ट्रेवल्स लिखा हुआ है, ये उपाध्याय ट्रेवल्स की बस है। इसी बस में जो है विधायकों को बैठाया जाएगा। 2 बसें अंदर भी है, ट्रेवलर बसें हैं, और इन बसों पर बैठा के और सीधे ले जाया जाएगा एयरपोर्ट की तरफ। ये पूरी तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक विधायकों की संख्या की बात है तो विधायकों की संख्या यहाँ 42 से 43 है, और विधायक लगातार आ रहे हैं, अंदर और बाहर जा रहे हैं। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, और सुरक्षा के चाक चौबंद के साथ इन विधायकों को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, ले जाया जाएगा। जिस तरीके से सूचना मिल रही है कि राजभवन से अगर हरी झंडी नहीं मिलती है, यानी कि राजभवन से कोई बुलावा नहीं आता है शपथ ग्रहण को लेकर, जो नए गठबंधन दल के नेता हैं, मनोनीत सीएम के उम्मीदवार हैं चंपई सोरेन, तो इन विधायकों को सीधे हैदराबाद शिफ्ट कराया जाएगा।
हैदराबाद इसलिए ले जाया जाएगा, वहाँ गैर बीजेपी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ पे विधायक कंफर्टेबल रहेंगे। विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है, विधायकों में कोई बिखराव ना हो इसके लिए ये कोशिश की जा रही है जी। ये ठीक दिवाकर महाराष्ट्र की तर्ज पे हो रहा है, यानी विधायकों को लेकर जाना है तो कहाँ लेकर जाना है, असम लेकर चले जाइए, इतने दूर लेकर चले जाइए जिससे की संपर्क ही ना हो सके, वही फॉलो करने की कोशिश हो रही है। मेरे सहयोगी एक और चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, झारखंड में नेताओं की पावर तो इस तरीके की है बार्गेनिंग की कि मधु कोड़ा जैसे लोग जब डीलिंग करने पे उतरते हैं निर्दलीय होने के बावजूद तो सीधे सीएम बन जाते हैं। उस प्रदेश में एक एक विधायक को संभाल कर रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो तमाम विधायक हैं वो इसी सर्किट हाउस में मौजूद हैं। 43 विधायक अभी इसमें मौजूद हैं, 4 विधायकों का फोन बंद आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन उन 4 विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो 47 का स्ट्रेंथ कल राजभवन में लिख कर दिया गया है वहाँ जो दिखाने की कोशिश की गई है वो एक साथ मौजूद रहें। और क्या जब यहाँ से विधायक निकलेंगे दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या होगा, क्या सभी विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्या सभी विधायक जो अभी यहाँ 4 नहीं पहुँच पाए हैं उनको भी यहाँ पर बुलाने की कोशिश की जा रही है। तो जब हेमंत सोरेन अभी ईडी के कस्टडी में हैं, उनके गिरफ्त में हैं, ऐसे आलम में क्या पार्टी को संभाल कर रखना चंपई सोरेन के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि कल ही से जब यह बात सामने आई थी कि चंपई सोरेन होंगे दूसरे अगले मुख्यमंत्री, और उसी बीच कई ऐसे विधायक थे जो सीधे तौर पर यह कहने के लिए उतारू हो गए कि अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं बनाया जा सकता है। और उससे पहले कल्पना सोरेन की जब बात सामने आई थी तो उसी समय उसी परिवार की सीता सोरेन ने भी अपना दावा ठोक दिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन के नाम को आगे बढ़ाना पड़ा। तो अभी चुनौतियां कई हैं और ये इन्हीं चुनौतियों से जूझते हुए अभी जो ये तमाम विधायक सर्किट हाउस में मौजूद हैं, अगर राजभवन से बुलावा इनकी नहीं आती है तो इनको दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाएगा, और उसी की तैयारी अभी की जा चुकी है। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ ये राजकीय अतिथिशाला सर्किट हाउस है जहाँ पर तमाम विधायक अभी अंदर में मौजूद हैं और इनके बाहर जाने की भी व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी राजभवन से बुलावा नहीं आता है शपथ लेने के लिए चंपई सोरेन के लिए, क्योंकि उन्होंने दावा ठोक दिया है सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी कल शो करने की कोशिश की, तो अगर वहां से बुलावा नहीं आता है तो इन सभी विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाएगा। और जो जानकारी मिली है और हमारे सहयोगी दिवाकर बता रहे थे कि इन सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा सकता है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है।